मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पीवी प्लॉट फॉर टू गैसेज ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस आर सोन इन द फिगर ये बेटा पीवी प्लॉट है एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए दो हैं है ना अलग अलग गैसेज है प्लॉट वन एंड टू शुड कॉरस्पॉन्ड रेस्पेक्टिवली टू ये आया था जेई टू थाउजेंड वन का क्वेश्चन दिस इज टू थाउजेंड वन क्वेश्चन फटाफट से बता देंगे

पावर गामा विल बी कॉन्स्टेंट क्या स्लोप होता था स्लोप वॉज डी पी बाय डीवी ऑफ आईसेंट्रॉपिक प्रोसेस ऑफ आईसेंट्रॉपिक प्रोसेस वॉज माइनस गामा पी बाई वी डैट मीन्स स्लोप विल बी डिपेंडिंग ऑन गामा अगर मेरे पास दो डिफरेंट गैसेस हैं तो गामा के बेसिस पर उनके स्लोप्स अलग अलग हो सकते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ब्यूटफुल एक्सींट है रे बाबा! मजा आ गया मजा आ गया एक्सींट एक्सीट वाह व्योठे वा ब्योठे वा ब्योठे कैन यू ऑब्जर्व माई फ्रेंड्स

दिस गैस टू इज हैविंग हायर गामा एंड गैस वन इज हैविंग लोअर गामा है ना अब ये गामा क्या क्या होता है आपको पता है हीलियम और ऑक्सीजन हीलियम एंड ऑक्सीजन हीलियम एंड ऑक्सीजन देखो दूसरे वाले का गामा ज्यादा होना है हीलियम का गामा कितना है बेटा हीलियम का यही चेक कर लेते हैं ना हीलियम का 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 गामा गामा कितना कितना है 6, 7, 5 by कितना है बेटा ऑक्सीजन दूसरे वाले ज्यादा होना है बेटा सेकंड गैस शुड मोर गामा सो ए कैन नॉट बी कैन नॉट बी आंसर बी पे आ जाओ व्हाट इज गामा ऑफ ऑक्सीजन 1.4 पॉइंट यस 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 मिल गया रे बाबा जिसको ढूंढ रहे थे वो मिल गया आंसर इज बी बॉम्बे यस फर्स्ट गैस इज लोअर गामा सेकंड गैस इज हैविंग हायर गामा सी वाला क्यों गलत है अरे सी में तो दोनों के ही गामा सेम है हीलियम वन 1.67 आर्गन आल्सो हैविंग 1.67 पॉइंट मोनोटेमिक गैस है ना इट इज मोनोटेमिको सी इज रॉन्ग एंड इफ यू सी हेयर ऑक्सीजन इज डायटोमिक गैस नाइट्रोजन इज डायटोमिक गैस सो दिस इज बोथ आर हैविंग सेम गामा सो स्लोप कैन नॉट बी डिफरेंट सो आंसर इज बी बॉम्बे आई होप ईच एंड इज क्लियर आई होप ईच थैंक यू सो मच बेटा राहुल आई होप ईच एंड एवरी वन इज क्लियर आंसर इज बी बॉम्बे वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन चलो 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 रे बाबा चलो रे बाबा चलो रे बाबा कम ऑन एवरी वन ओ माई गॉड ये कब का क्वेश्चन है नाइनटी एट ओ हो हो क्या बोल रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टू सिलेंडर्स ए एंड बी पिटेड विद पिस्टन कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ एन आइडियल डाई एटोमिक गैस एट थ्री हंड्रेड कैलविन अच्छा ठीक है मेरे पास दो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है एंड दोनों में डाय एटोमिक गैस भरी हुई है इक्वल अमाउंट में है और टेम्परेचर है थ्री हंड्रेड कैलविन पिस्टन ऑफ ए इज फ्री टू मूव वाइल्ड डेट ऑफ बी इज हेल्ड फिक्सड सही है द सेम अमाउंट द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू द गैस इन ईच सिलेंडर ठीक है दो डिफरेंट सिलेंडर हैं पहला वाले सिलेंडर में जो पिस्टन ए है द पिस्टन ऑफ सिलेंडर ए इज फ्री टू मूव Whereas the second cylinder, which is a cylinder B, piston cylinder arrangement B, there the piston is fixed. The same amount of heat is supplied to the gas in each piston cylinder arrangement. Okay. If the rise in the temperature of the gas in A is 30 Kelvin, whatever the ideal gas I am having in piston cylinder arrangement A,

what will be the process for the gas in piston cylinder arrangement a anyone in the class can tell me what will be the process what will be the process for the gas in piston cylinder arrangement a are free to move na free to move means what isobaric isobaric heat addition process isobaric heat addition process now, anyone in the class can tell me what will be the what will be the process for the gas which is in piston cylinder arrangement B. Piston is fixed. If the piston is fixed, I will be having the isochoric heat addition process. If I am supplying the same amount of heat, then the temperature rise in isochoric process will be gamma times of. Temperature rise for isobaric process. But uh, what is the value of gamma? In the question, what is the value of gamma? But uh, in the question, they have given diatomic gas. Yeh, diatomic gas ka matlab kya hai baba? What is the meaning of diatomic gas? Gamma is 1.4. 1.4 .4 into 30. So 100% temperature increase.

JEE टू थाउजेंड टेन का क्वेश्चन है एन ए टी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है पढ़ते हैं डाई एटोमिक आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू वन बाय थर्टी टू ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम इसका मतलब समझ में आया बेटा इसका मतलब है V2 टू इज वन बाय थर्टी टू टाइम्स ऑफ वी वन एक्सीलेंट ब्यूटिफुल इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज द टी आई इन कैलविन एंड द फाइनल टेम्परेचर इज ए टी आई द वैल्यू ऑफ ए इज आ रहे तो चंपू क्वेश्चन है रे बाबा ये तो चंपू इस, इसे तो फटाफट से निपटा दो फटाफट फटा से निपटा एक मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा बेटा आई विल नॉट गिव यू मोर देन वन मिनट इससे तो फटाफट फटा से कर दो इससे तो फटाफट से कर दो रे बाबा अरे यार ये तो बहुत इजी है बहुत ही इजी है बहुत ही इजी है टी टू इज गिवन ए टाइम्स ऑफ टी वन लुक एट हेयर लुक एट हेयर फॉर परफेक्ट गैस फॉर परफेक्ट गैस अंडर गोइंग अंडर गोइंग आईसे प्रोसेस अंडर गोइंग आईसेस बट ऑफ फार्मूला तो आपको पता है यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ फार्मूलाडी अवेयर टू वॉट इज इक्वल टू वट कॉन्स्टेंट सो वट आम गेटिंग वट आम गेटिंग टी टू वी टू पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी वन वी वन पावर गामा माइनस वन राइट तो लुक एट हियर, T2 टू बाई इज इक्वल टू व्हाट, V1 वन बाई होल पावर गामा माइनस वन फटाफट से आंसर करो रे बाबा टाइपिंग चार्टॉक्स टाइम अप टाइम अप, T2 बाई टी विल बी व्हाट ए है ना ए विल बी इक्वल टू व्हाट रे बाबा फटाफट से बता देंगे व्हाट विल बी ए चंपा चंपू रे बाबा चंपू रे बाबा चंपू क्वेश्चन है डायटोमिक है इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन यू डायटोमिक डायटोमिक का मतलब हो गया गामा इज वन पॉइंट फोर थर्टी टू पावर जीरो पॉइंट फोर आ रही तो कोई अंधा भी बता देगा इवन अ ब्लाइंड पर्सन कैन टेल थर्टी टू पावर टू बाई टेन सॉरी फोर बाई टेन ना तो ये हो जाएगा रूट टू पावर फोर रूट टू पावर फोर विल बी टू पावर टू टू स्क्वायर फोर आ रहा है जल्दी से बताओ यही है क्या आंसर कैन आई से ए इज फोर फटाफट से कंफर्म कर दो फटाफट से कंफर्म कर दो फोर आ रहा है क्या फटाफट से कंफर्म कर देंगे रे बाबा ये तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है रे बाबा ये तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है रे बाबा आंसर इज फोर 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 यस 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये देखो ये 2010 में आया था बताओ ऐसा क्वेश्चन आया था आप बना नहीं सकते क्या 100 परसेंट बना सकते हो मैं बोल रहा हूं अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं मेरे से आई टी के क्वेश्चन कुछ भी नहीं है रे बाबा आप लोगों के लिए आप फोड़ दोगे आप फोड़ दोगे रे बाबा चलो नेक्स्ट 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 ये नाइनटी का क्वेश्चन है फटाफट से देखो क्या है एन आइडियल गैस विद प्रेजर पी एंड वॉल्यूम वी एंड टेम्परेचर टी इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली टू अल्यूम टू वी ठीक है ध्यान से सुनना मेरे पास एक आइडियल गैस है आई एम आइडियल गैस विच इज है वॉल्यूम टू वी एंड फाइनल प्रेजर इज अ बहुत बढ़िया इफ द सेम गैस इज एक्सपेंडेड to टू volume 2b. Final volume is same. The final pressure is PA. The ratio of specific heats of the gas is 1.67. Then the ratio PA by PI is. मुझे सिर्फ इतना बताना बेटा. Just tell me one thing. PA by PI will be more than one or less than one. मुझे बस इतना बता दो. I will be more than happy. अगर आप मुझे इतना बता दोगे मैं बहुत खुश हो जाऊँगा. I will do, I will feel very happy कि आपने मेरे से कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है.

जी आई एम वेरी 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 हैप्पी थैंक यू सो मच सल्यूट है तो फटाफट से निपटा दो अब तो आप कर दोगे रे बाबा. नाउ देर इज द क्वेश्चन नाउ देर इज द क्वेश्चन अब तो आप निपटा देंगे रे बाबा. अब तो आप निपटा देंगे रे बाबा फटाफट से कर डालो फटाफट से कर डालो रे बाबा बस मैं अब आप आपके आंसर का वेट कर रहा हूं नाउ नथिंग इज देर इन द क्वेश्चन नथिंग इज देर इन द क्वेश्चन फटाफट से डालेंगे आपको याद आ रहा होगा मैंने यह सब बताया हुआ है एक बार फिर वही डायग्राम बना रहा हूं मैंने बताया हुआ है आपको वॉल्यूम इज वी वन हेर द वॉल्यूम इज वी टू वी टू बी इनिशियल प्रेजर इज पी टमी से दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग प्रेजर पी ध्यान से देखना बेटा दिस इज योर आइसियोथर्मल एक्सपेंसन फाइनल प्रेजर इज पी आई एंड ऑफकोर्स दिस इज योर एडियाबेटिक एक्सपेंसन फाइनल प्रेजर इज पी ए तो ही इज आस्किंग पी ए बाई पी आई कैसे निकालोगे कितना रहा आंसर पॉइंट सिक्स टू एट आंसर इज पॉइंट सिक्स टू एट आर यू गेटिंग पॉइंट सिक्स टू एट कैसे किया बेटा आप लोगों ने ये तो बहुत ईजी है देखो देखो फॉर फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन

Isentropic expansion undergone by perfect gas. What I am going to have? What I am going to have? PV power gamma is equal to constant. So, PA 2V whole power gamma is equal to PV power gamma. So, what is the PA? PA is equal to 1 by 2 power gamma P, right? दिस इज इक्वेशन नंबर ए दिस इज इक्वेशन नंबर बी क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने इन द क्वेश्चन ही इज आस्किंग सो वन अपॉन टू पावर गामा पी डिवाइडेड बाई वन बाई टू पी 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 इज गेटिंग स्वाहा तो यार कितना आ रहा है वट एम गेटिंग आई आई एम गेटिंग बाय बाय इज इक्वल टू 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 डिवाइडेड पावर गामा कितना आ जाएगा टू पावर वन माइनस गामा ना अब ये गामा कितना है रे बाबा गामा दिया है क्या हाँ गामा दिया है वन पॉइंट सिक्स सेवन अरे हो गया अरे हो गया रे बाबा चंपा देर इज नथिंग इन द क्वेश्चन और अभी आपको दिखाऊंगा एडवांस के क्वेश्चन आप चुटकियों में बनाने वाले हो गए पी ए बाई पी आई इज इक्वल टू टू पावर माइनस जीरो पॉइंट सिक्स बताओ बेटा पी ए बाई पी आई कितना फटाफट से बता दो जीरो पॉइंट सिक्स टू एट कहना जीरो पॉइंट सिक्स टू एट फटाफट से कंफर्म कर दो जल्दी से बता दो जीरो पॉइंट सिक्स टू एट यही है जम है रे बाबा क्लियर है यहां तक आई होप ईच एंड एवरी वन अभी तक जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए आई होप ईच एंड एवरी वन इज एबल टू सॉल्व उम्मीद करता हूं सब लोग बना रहे हैं क्वेश्चन आई होप ईच एंड एवरी वन इज सॉल्व ऑल द क्वेश्चन बन रहे हैं क्वेश्चन बेटा आई होप ईच एंड एवरी वन इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम बोलो रे बाबा बोलो रे बाबा आर यू एबल टू तो सॉल्व आर यू एबल टू तो सॉल्व यस 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 फोड़ देते रे बाबा फोड़ देते एवरीवन, सही है सही है सही है, चलो नेक्स्ट ये बेटा एमएसक्यू क्वेश्चन है बेहतरीन 2010 में आया था एक बार देखना ये वाला एमएसक्यू क्वेश्चन एमएसक्यू क्वेश्चन वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस इन इनिशियल स्टेट ए इनिशियल स्टेट इज ए undergoes a cyclic process a b c a undergoes a cyclic process a b c a as shown in the figure its pressure at a is p naught pressure here at a is p naught choose the correct options from the following put a vt diagram diya hai. don't be in hurry worry don't be in hurry worry VT डायग्राम इज गिवन इट्स नॉट PV डायग्राम VT डायग्राम दिया है अब देखो स्टेटमेंट ए इंटरनल एनर्जी एट ए एंड बी आर सेम पहले मुझे ये बताओ, ये बताओ, सही है कि गलत है इंटरनल एनर्जी एट ए एंड बी आर सेम एनी वन इन द क्लास कैन मी चलो प्रोसेस बता दो व्हाट इज द प्रोसेस ए बी किसी को समझ में आ रहा है ये प्रोसेस ए बी क्या है एनी वन इन द क्लास कैन टेल मी वट इज द प्रोसेस ए बी देखो यहां धोखा मत खा जाना यहां धोखा मत खा जाना करेक्ट है या इनकरेक्ट है अरे वी टी डायग्राम है रे बाबा दिस इज वीटी डायग्राम ऑन वर्टिकल एक्सिस आई एम हैविंग वॉल्यूम ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस आई एम हैविंग है सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रोसेस व्हाट इज द प्रोसेस ए बी आइसोथर्मल ओ के आगे बोलो रे बाबा आइसोथर्मल थर्मल के आगे बोलो can you tell me isothermal what isothermal heat addition or isothermal heat rejection isothermal heat addition or isothermal heat rejection 100% isothermal heat addition isothermal heat addition and you can call isothermal expansion also or you can call isothermal expansion also now anyone in the class can tell me can I say the temperature at A is equal to temperature at B? Whatever the temperature I am having at A, same temperature I am having at B. And if temperature at A and B are same, 100% for an ideal gas, internal energy is the function of temperature only. Can I say UA is equal to UB? Can I say UA is equal to UB? 100%. 100%. Beta, likkar bhi Here the pressure is P volume is p naught pressure is p naught volume is v naught temperature is t naught if you are talking about this point this state here the pressure is how much pressure i don't know but volume is 4 v naught and the temperature is at t naught only so your to koi doubt yes sahi hai this is correct this is correct now listen carefully कैन यू टेल मी कैन यू टेल मी अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लू यहां से हटकर वट विनी क्लास कैन टेलमी वट विल बी द प्रेजर कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द प्रेजर एट स्टेट बी किसी को समझ में आ रहा है यहां पर प्रेजर क्या होगा बेटा अरे आइसोथर्मल ना आइसोथर्मल टू कॉन्स्टेंट

एन ही वन इन द्लास कैन टेल मी सेकेंड वन इज करेक्ट और रॉन्ग ये जो दूसरा वाला है सही है या गलत है दिस सेकेंड वन इज करेक्ट और जल्दी से बताओ सेकेंड वाला राइट है या रॉन्ग है अरे आइसोथर्मल प्रोसेस है ना तो देखो डिसप्लेसमेंट वर्क फॉर द प्रोसेस ए बी विल बी वॉट प्रेजर एट ए वॉल्यूम एट ए पी ए वी ए लॉन V2 by V1 na, VV by VA. So 100 percent. PA VA means what? PA VA means what? P0. VA is V0. V. VV VV is how much? 4 V0. Divided by V0. V0 V0 is getting a swaha. So can I say? Can I say? Can I say? डब्ल्यू डिसप्लेसमेंट वर्क ड्यूरिंग द प्रोसेस ए बी इज अट वी नॉट लॉन फोर सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट अब ही इज आस्किंग प्रेजर एट सी एंड टेम्परेचर एट सी बट अब मुझे एक चीज बता देना यह तो समझ में आ गया ना ए और बी करेक्ट है आई होप एवरी वन इज एबल टू अंडरस्टैंड ए एंड बी आर करेक्ट अब मुझे यह बताओ वट इज द प्रोसेस बी सी वट इज द प्रोसेस बी सी अब ये प्रोसेस बी सी क्या है एनी वन इन द क्लास कैन टेलमी वट इज द प्रोसेस बी सी ये प्रोसेस बी सी क्या है वट इज द प्रोसेस बी सी अब देखो यहां पर है एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास कैन टेलमी यू नो इस क्वेश्चन पे दो हजार दस में बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ था क्वेश्चन वॉज द डिस्प्यूटेड क्वेश्चन बहुत डिबेट हुई थी, थी इस क्वेश्चन में देखने में इजी लग रहा है हर किसी को हर किसी को लग रहा होगा एवरी वन विल बी थिंकिंग इट इज योर आइसोबारिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस आइसोबारिक कंप्रेजेंट प्रोसेस बेटा मैंने बताया था ऑन वी टी डायग्राम ऑन वी टी डायग्राम आईसो बारिक प्रोसेस विल बी एन इनक्लाइंड लाइन पासिंग थ्रू वॉट पासिंग थ्रू वॉट विल बी एन इनक्लाइंड लाइन पासिंग थ्रू वॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन लेकिन यह किसी भी एंगल से तो दिख नहीं रहा यही यही डायग्राम था अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ऐसा नहीं लग रहा है ये ओरिजिन से पास हो रही है अब बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो गया इस पर अब बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो गया अब देखो एग्जाम में कोई स्केल लेकर तो बैठा नहीं है एग्जाम में कोई स्केल लेकर तो बैठा नहीं है, कि ये से पास हो रही है नहीं हो रही है अब इस पे सबको जिन्होंने और डी सही बोला उनको भी मार्क्स मिले जिन्होंने सी डी सही नहीं बोला उनको भी मार्क्स मिले बिकॉज इफ यू आर एज्यूमिंग

वॉल्यूम तो वी नॉट पता है टेम्परेचर कितना हो जाएगा टी नॉट बाय फोर देन यू आर सी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर इफ यू आर एज्यूमिंग इट इज पासिंग थ्रूज आर यू क्लियर क्लियर है क्लियर है क्लियर है बात समझ में आ गई बात समझ में आ गई तो आइदर यू गिव ए एंड बी और ए बी सी डी ऑल यू विल बी गेटिंग द मार्क्स चलो ये तो बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा इसका आंसर मेरा नेगी सोल्जर इसका आंसर बिना पेन पेपर यूज किए देगा दिस इज़ आईआईटी जेईई एडवांस एडवांस का क्वेश्चन है एडवांस का क्वेश्चन है 2013 का क्वेश्चन है अपने पेन पेपर सब एक तरफ रख दो क्वेश्चन पढ़ो बिना बिना सॉल्व की आप आराम से आंसर कर सकते हो देखो देखो ध्यान से वन मोल ऑफ अ मोनो एटोमिक आइडियल गैस इज टेकन अलोंग टू साइक्लिक प्रोसेसेस ई एफ जी ई एंड ई एफ एच ई एफ जी ई दिस इज वन साइकिल एंड ई एफ एच ई दिस इज अनदर साइकिल समझ में आएगा नहीं बेटा दो साइकिल है एक बार फिर दिखाता आपको द फर्स्ट वन इज ई एफ जी ई एंड द सेकेंड वन इज ई एफ एच ई फाइन द प्रोसेस इन्वॉल्व आर प्योरली आइसो कोरिक आइसोबारिक आइसोथर्मल और एडियाबेटिक बेटा एनीवन इन द क्लास व्हाट इज द प्रोसेस ईएफ एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी व्हाट इज द प्रोसेस ईएफ उसने बोला है जितने भी प्रोसेस हैं या तो वो आइसोकोरिक हैं आइसोबारिक हैं आइसोथर्मल हैं और एडियाबेटिक आइसेंट्रोपिक हैं एनीवन इन द क्लास व्हाट इज दिस प्रोसेस ईएफ बेटा फटाफट से बताओ व्हाट इज द प्रोसेस ईएफ 100% ईएफ इज आइसोकोरिक हीट एडिशन ईएफ इज आइसोकोरिक हीट एडिशन बहुत बढ़िया चलो मुझे ये बताओ व्हाट इज द प्रोसेस जी एक एक करके सब में आऊंगा एक एक करके सब पर आऊंगा यह मुझे बताओ जी इज व्हाट व्हाट इज द प्रोसेस जी ई हंड्रेड परसेंट आइसो बारिको बारिकट रिजेक्शन और हीट एडिशन जी इज आइसोबारिक हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग हीट रिजेक्शन बहुत बढ़िया एनी वन इन द क्लास कैन टेल मी व्हाट इज द प्रोसेस एच ई एच ई इज आल्सो आइसोबारिक हीट रिजेक्शन अब बच्चे दो प्रोसेस टू प्रोसेस आर रिमेनिंग एफ जी एंड एफ एच एफ जी एंड एफ एच कौन सा आइसोथर्मल है कौन सा आइसेंट्रॉपिक है आउट ऑफ एफ जी एंड एफ एच वन इज आइसोथर्मल एंड विच वन इज आइसेंट्रॉपिक जल्दी से बताओ Fg is having lesser angle, Fh is having higher angle. Fg and Fh. Which one is isothermal, which one is isentropic? Fg is isothermal. Excellent, Hare Baba. Excellent, Hare Baba. Fg is isothermal. Fh is isentropic. बहुत बढ़िया चलो आगे चलते हैं आगे चलते हैं सारे प्रोसेस समझ में आ गए वी आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द प्रोसेस अब देखो क्या बोल रहा है मैच दिस इज नॉट मैथ मैच द पाथ इन लिस्ट वन विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन लिस्ट टू लिस्ट वन में प्रोसेस दिया है लिस्ट टू में दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इंट्रैक्शन याद आ रहा है जीई ई वट वॉज जी आइसोबारिक हीट रिजेक्शन जीएच एच वट वॉज जी आइसोबारिक हीट रिजेक्शन एफ एच एफ एच इज आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंशन वट इज एफ जी एफ जी इज आइसोथर्मल एडिशन आइसोथर्मल एक्सपेंशन अब मुझे सिर्फ ये बताओ बिना पेन पेपर यूज किए कौन सा ऑप्शन मैच होगा याद रखना आइसोथर्मल आइसोथर्मल भी है, और में हमेशा क्या आता है लॉन आइसोथर्मल में हमेशा कौन सा आता है लॉन दिस इज योर आइसोबारिक, दिस इज योर आइसोबारिक हीट रिजेक्शन दिस इज योर आइसो बारिक हीट रिजेक्शन एफ एच एफ एच क्या था आइसेंट्रॉपिक आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंसन एंड एफ जी इज वॉट आइसो थर्मल हीट एडिशन और आइसो थर्मल एक्सपेंशन जल्दी से बताओ किसी का आया आंसर किसी का आया आंसर ये 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 वर्क इंट्रैक्शन है दीज आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इंट्रैक्शन फटाफट से बताओ कौन सा मैच हो रहा है फटाफट से बताओ कौन सा मैच हो रहा है देखो देखो यार ये बताओ क्या आप बता सकते हो ये वाला ये वाला वॉल्यूम क्या होगा कैन यू टेल मी वट विल बी दिस वॉल्यूम बेटा अरे आइसो थर्मल ना आइसो थर्मल एक्सपेंसन सो प्रेजर इज डिक्रीजिंग फ्रॉम थर्टी टू पी नॉट प्रेजर इज डिक्रीजिंग फ्रॉम थर्टी टू पी नॉट टू पी नॉट प्रेजर इज डिक्रीजिंग फ्रॉम थर्टी टू पी नॉट टू पी नॉट कैन यू टेल मी वॉल्यूम विल इंक्रीज फ्रॉम वी नॉट टू वॉट थर्टी टू वी नॉट ना अरे ये समझ में आ रहा है अरे दिस विल बी थर्टी टू वी नॉट ना ये तो कोई अंधा भी बता देगा बेटा मुझे एफ जी के लिए बताओ कौन सा मैच होगा एफ जी वाला तो कोई भी बता सकता है एफ जी वाला बताओ एफ जी वाले के लिए कौन सा मैच होगा एफ जी के लिए क्या बोल दो ये मैच होगा एफ जी वाले के लिए ये मैच होगा जल्दी से बोलो एस का आंसर वन होना चाहिए एस शुड मैच टू वन ये मुझे बता दो अरे लॉन तो उसी में आता है ना उसकी तो कहानी वहीं खत्म हो गई बेटा लॉन आपका किस में आता है वेयर आर यू गोइंग टू गेट द लॉन इन आइसोथर्मल ना अरे लॉन तो बस अरे आपके पास जितने भी वर्क इंट्रेक्शन के फार्मूले हैं लॉन में आता है आइसोथर्मल में ना सो लॉन टू इट विल बी कमिंग इन आइसोथर्मल ओनली ना एस देर आर ओनली टू ऑप्शन देर आर ओनली टू ऑप्शंस वेयर एस इज वन दिस कैन नॉट बी द आंसर दिस कैन नॉट बी द आंसर आंसर इज आइदर एर डी अब ये देखो जी टू इज आइसो बारिक रिजेक्शन अरे यार जी का तो निकाल लोगे ना अरे जी का तो निकाल लो गा एरिया अंडर द करव अरे एरिया अंडर द कर प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सेस विल बी गिविंग यू द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इंट्रेक्शन सो मैग्नीट्यूड ही तो पूछ रहा है एरिया अंडर द कर्व, दिस एरिया विल बी गिविंग यू द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इंट्रैक्शन फॉर प्रोसेस जी ई कितना हाउ मच विल बी दिस एरिया 32 और 31, अरे 31 आएगा ना अरे चंपो दिस इज हाउ मच 31 वन वी नॉट

इज मैचिंग विद फोर पी इज मैचिंग विद फोर आ गया आंसर खत्म है खत्म है आंसर इज ए आगरा कितने लोगों ने बिना पेन पेपर के ही सॉल्व कर दिया इसको आर बी खत्म है रे बाबा क्वेश्चन यही खत्म हो गया यही खत्म हो गया कर लोगे कर लोगे बहुत इजी है खत्म हो गया क्वेश्चन बाकी दो निकालने की जरूरत ही नहीं है बाकी दो निकालना हो तो निकाल लेना खाली टाइम पे बहुत इजीली निकल जाएंगे बहुत इजीली निकल जाएंगे देखो जी का तो अभी निकाल लेते हैं जी का तो अभी निकाल लेते हैं अच्छा जी एच के लिए पहले वहां निकालना पड़ेगा ये कर लेना मैं करना नहीं चाह रहा निकाल सकते हो आप ये यहां पर वॉल्यूम निकाल लेना पी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से तो आ जाएगा जरूर अरे इजी पीजी क्वेश्चन है इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेहतरीन तरीके से चलो देखो देखो ध्यान से देखना द फिगर सो एमएसक्यू है फिगर शोज द पी वी प्लॉट ऑफ एन आइडियल गैस टेकन थ्रू is ए semicircle and CDA इज हाफ ऑफ एन इलिप्स पहले ध्यान से देख लो डायग्राम में थोड़ा सा करेक्शन है ध्यान से देख लो ये नहीं है बेटा है ना कैसे है ऐसे है सी दिस इज डी दिस स्टेट इज डी ध्यान से देखो दिस स्टेट इज ए दिस स्टेट इज बी दिस इज सी दिस स्टेट इज डी ओके एंड इट इज समथिंग लाइक दिस ये तो आपको समझ में आ गया ए बी सी डी ए दिस पार्ट ऑफ द साइकिल इज सेमी सर्किल एंड दिस पार्ट ऑफ द साइकिल इज सेमी अरे क्या ही तो साइकिल है अरे बाबा द प्रोसेस ड्यूरिंग द पाथ ए बी इज आइसोथर्मल बोल रहा है ये आइसोथर्मल है लग रहा है कहीं से आइसोथर्मल लग रहा है कहीं से आइसोथर्मल ये कहां से आइसोथर्मल कहा से रेक्टेंगुलर हाइपर बुला लग रहा है कहां से रेक्टेंगुलर हाइपर बुला लग रहा है क्या ना इसे फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग ए बी अगर ए बी आइसोथर्मल होता इट हैज टू बी रेक्टेंगुलर हाइपर बोला ना सो दिस इज फॉल्स दिस इज फॉल्स ये तो नहीं है अब देखो ये वाला देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हीट फ्लोज आउट ऑफ द गैस ड्यूरिंग द पाथ बीसीडी वेर इज बी सी डी बी सी डी बी सी डी बोल रहा है इस प्रोसेस में हीट रिजेक्ट होती है अब बताओ ये सही है या गलत है अब आएगा कॉन्सेप्ट अब आएगा कॉन्सेप्ट ये बताओ यहां पर हीट रिजेक्ट हो रही है कि नहीं राइट या रॉन्ग राइट या रॉन्ग कैसे निकालोगे बेटा मुझे एक चीज बताना ड्यूरिंग द प्रोसेस बी सी डी ड्यूरिंग द प्रोसेस बीसीडी एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास कैन टेल मी डिस्प्लेसमेंट वर्क इज पॉजिटिव और नेगेटिव ड्यूरिंग द प्रोसेस बी सी डी डिसप्लेसमेंट वर्क इज पॉजिटिव और नेगेटिव ड्यूरिंग द प्रोसेस बी सी डी डिस्प्लेसमेंट वर्क इज पॉजिटिव और नेगेटिव वॉल्यूम डिक्रीजेस अरे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना मूवमेंट वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग हंड्रेड परसेंट डिसमेंट वर्क इज नेगेटिव इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है क्लास कैन टेलमी वट हैपनिंग टू टेम्परेचर टेम्परेचर का क्या हो रहा है वट इज द क्लास कैन मी वट इज हैचर टेम्परेचर का क्या हो रहा है What इज हैपनिंग टू टेम्परेचर अच्छा देखो ध्यान से देखना कैन आई से वट एवर द प्रेजर आई एम हैविंग एट बी सेम प्रेजर आई एम है प्रेजर सेम है वट एवर द प्रेजर आई एम हैविंग एट बी स्टेट बी आई एम नॉट थिंग आइसोथर्मल याद रखना आइसोथर्मल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं मैं मैं बोल रहा हूं वट एवर द प्रेजर सॉरी आइसो वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं आइसो होता तो ऐसे आता

वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग और अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है व्हाट विल हैपन टू टेम्परेचर देखो ना आइडियल गैस आइडियल गैस आई एम हैविंग ना पी इज इक्वल टू एम आर टी राइट सो टी इज इक्वल टू वॉट एम आर टी इज इक्वल टू वॉट पी बाय एम आर राइट एम आर विल नॉट चेंज रिमेन सेम कॉन्स्टेंट है प्रेजर इज सेम आई एम नॉट सेट बट प्रेजर इज सेम वट इज है एनालिसिस फॉर बी टू डी वट इज हैपनिंग टू वॉल्यूम वॉल्यूम डिक्रीजेस बट अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है प्रेजर सेम है तो कैन आई से टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग एंड इफ टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग Anyone in the class can tell me what is happening to internal energy. What is happening to internal energy? What is happening to internal energy? Ka kya ho hai? Internal energy is decreasing. Bata, displacement work is negative. Displacement work is negative. Delta U is negative. Aare, Q is equal to what? Q is equal to. डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू ड्यूरिंग द प्रोसेस बी सी डी डब्ल्यू इज नेगेटिव इज डिक्रीजिंग बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीजिंग सो क्यू विल बी वॉट नेगेटिव एंड इफ क्यू इज नेगेटिव हीट इज गेटिंग रिजेक्टेड ये बी वाला सही है हीट फ्लोज आउट ऑफ द गैस ड्यूरिंग द पाथ बीसीडी आई होप ईच एंड एवरी वन इज क्लियर वॉट अटफल क्वेश्चन कैलकुलशन नहीं है सिर्फ आपको अपना ब्रेन यूज करना है देर इज नो कैलकुलेन इन्वॉल्व यू हैव टू यूज यूर ब्रेन सर क्यू इज इक्वल टू क्या होता है सिस्टम बिकॉज वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग वट इज हैपनिंग टू टेम्परेचर टेमप्रचर इज डिक्रीजिंग सो डेल्टा यू इज नेगेटिव डब्लू इज नेगेटिव डेल्टा यू इजेटिव यू हेज टू नेगेटिव नाउ लटसा स्टेटमेंट नंबर सी वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ एबीसी जीरो वेर इज एबीसी किस एंगल से दिख रहा है बाबा किस एंगल से दिख रहा हैं बाबा अरे ये कहां से जीरो हो गया कहां से जीरो हो गया अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लू बेहतरीन वाला कैन यू टेल मी विच एरिया विल बी रिप्रेजेंटिंग द वर्क ड्यूरिंग द प्रोसेस एबीसी ध्यान से देखना बेटा दिस प्रोसेस ए बी सी यू विल बी डिवाइडिंग इंटू टू पार्ट ए बी एंड बी सी उसका रीजन है बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ए बी वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस बी सी वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग सो आई होप अरे क्या ही तो जबरदस्त कौनसेप्ट मजा आ गया यार मतलब ये देखो इसे बोलते हैं क्वेश्चन देखो ड्यूरिंग द प्रोसेस ए बी

इट विल बी आर चंपू बन गया रे बाबा बढ़ाई तो कितने लोगों को समझ में आया ये जो ये वाला एरिया है ना बेटा ये जो ये वाला एरिया है दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्क ड्यूरिंग द प्रोसेस ए बी सी बात समझ में आ रही है एरिया ऑफ द सेमी सर्किल स यस छा गए गोरु इट इज नॉन जीरो रॉन्ग है अब देखो यहां क्या बोल रहा है स्टेटमेंट डी पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द गैस इन द साइकिल ए बी सी डी ए ये बताओ पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द गैस इन द साइकिल ए बी सी डी ए जल्दी से बताओ कैसे पता चला आपको पॉजिटिव वर्क हुआ है हाउ यू नो द वर्क डन इज पॉजिटिव हाउ डू यू नो द वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल इज पॉजिटिव अरे क्लॉक वाइज साइकिल है या एंटी क्लॉक वाइज साइकिल है साइकिल इज क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज ऑन पीवी डायग्राम। अरे साइकिल इज क्लॉक वाइज रे बाबा वॉट अब दिस इज करेक्ट सो आंसर इज बी एंड डी कितने लोगों को मजा आ गया कितने लोगों को मजा आ गया इस क्वेश्चन में कितने लोगों को मजा आ गया इस क्वेश्चन में बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है रे बाबा मतलब दिल खुश हो गया इस क्वेश्चन को करके दिल खुश हो गया इस क्वेश्चन को करके आपके कितने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए कितने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए आप पीवी डायग्राम देखकर बता सकते हैं वेदर द टेंपरेचर इजDecreasing और increasing आप ये भी बता सकते हीट हो हीट इंट्रैक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा आप ये बता सकते हैं कि साइकिल में वर्क इंट्रैक्शन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा माय गॉड आर जबरदस्त क्वेश्चन है रे बाबा, क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा अभी हम लोग मिलने वाले हैं आज तो आज तो झमाझम जम फ्राइडे है रे बाबा वी विल बी मीटिंग एट फाइव फिफ्टी पीएम है ना एंड दिस इज ज्ञान गंगा ऑलरेडी यू आर अवेयर ऑफ दिस चलो ये दो हजार सोलह का क्वेश्चन है आई आई टी जे एडवांस का इस क्वेश्चन को करते हैं है ना एक बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं बेटा एक बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं ठीक है अ गैस इज एनक्लोज इन अलेंडर विद अबल फ्रिक्शन लेस पिस्टन इट्स इनिशियल थर्मोडाइनमिक स्टेट एट प्रेजेंट पी आई इज इक्वल टू टू पावर फाइव पासकल एंड वॉल्यूम वी आई इसको बी आई कर लो वॉल्यूम इज इक्वल टू टेन टू पावर माइनस थ्री मीटर क्यूब चेंजेस टू आ फाइनल स्टेट एट प्रेजेंट पी एफ इज इक्वल टू वन बाई थर्टी टू इंटू टेन टू पावर फाइव पासकल एंड वी एफ एट इन टू टेन टू पावर माइनस थ्री मीटर क्यूब इन एन एडिया बैटिक सिस्टेटिक प्रोसेस सच दैट पी क्यू बी पावर फाइव इज इकल टू तो कॉन्स्टेंट बेटा मैं आपको ये चीज समझाता हूं क्या बोल रहा है वो क्या बोल रहा है एक बार देख लो मजा आ जाएगा उसके बाद आप सॉल्व करना उसके बाद आप सॉल्व करना क्या बोल रहा है एक बार देख लो क्वेश्चन में देखो बेटा लेट मी से दिस वर्टिकल एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग प्रेजर दिस हॉरिजोंटल एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम तो ध्यान से देखना मजा आने वाला है लेट मी से दिस इज इनिशियल प्रेजर पी आई दिस इज अ फाइनल प्रेजर पी एफ हेयर द प्रेजर इज अ पी आई हेयर द प्रेजर इज अ पी एफ है ना आई कितना दिया है? देख लो पी इज गिवन टेन टू पावर फाइव पास्कल दिस इज टू पावर फाइव पास्कल दिस इज वन बाई इंटू टू पावर बहुत बढ़िया एक्सीलेंट है लुक एट हियर बेटा दिस इज इनिशियल वॉल्यूम टेन टू पावर माइनस थ्री मीटर क्यूब वी वन और वी आई एंड दिस इज अ फाइनल वॉल्यूम है ना वी एफ विच इज एट इन टू टेन टू पावर माइनस थ्री मीटर क्यूब बहुत बढ़िया लुक बेटा स्टेट चेंज हुई है कैसे चेंज हुई है लेट अस सपोज हेयर आई एम है स्टेट वन आई एम कमिंग स्टेट वन टू स्टेट टू आइसेंट्रोपिकली पावर गा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये क्लियर है यहां तक आई होप ईच एंड एवरी वन इज क्लियर चलो आप पढ़ता हूं आगे यहां तक क्लियर है बेटा आई होप ईच एंड एवरी वन इज क्लियर टिल हियर एडियाबेटिक क्वासिस्टेटिक प्रोसेस मीन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस पी क्यू वी पावर फाइव इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट गामा कितना आ गया अरे चंपो

कंसिडर अनदर थर्मोडानिक प्रोसेस कंसिडर अनदर थर्मोडोनिक प्रोसेस ड्रिंक दू सेट इन टू स्टेप मेरे को मेरे, पा, मेरे पास एक और थर्मोडानिक प्रोसेस हो रहा है जो कि दो हिस्सों में वही सेम इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल स्टेट पर लाता है क्या है इन टू स्टेप्स आईसो बारिक एक्सपेंसन एट प्रेजेंट पी आई फॉलोड बाय एन आईसो कोरिक प्रोसेस एट वॉल्यूम बेटा क्या आपको समझ में आ रहा है आर यू एबल टू अंडरस्टैंड आर यू एबल टू अंडरस्टैंड जो प्रोसेस की वो बात कर रहा है टू स्टेप प्रोसेस की वो कुछ ऐसा है ना कुछ ऐसा है ना बेटा बात समझ में आ रही है आइसोबारिक प्रोसेस एट प्रेशर पी आई एंड देन आइसोकोरिक प्रोसेस एट वी एफ क्या ही तो बात है रे बाबा बात समझ में आ गई आई केम फ्रॉम सेम इनिशियल स्टेट केम फ्रॉम सेम इनिशियल स्टेट टू सेम फाइनल स्टेट बात समझ में आ गई अब पूछ क्या रहा है इसे थ्री मान लो ना इसे कुछ मानना है तो थ्री मान लो दिस स्टेट इज थ्री लेट अस सपोज अब बोल क्या रहा है द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इन टू स्टेप प्रोसेस इज अप्रोक्सीमेटली ये जो टू स्टेप प्रोसेस है यहां पर कितना हीट सप्लाई हुआ एनी वन इन द क्लास व हीट सप्लाइड हेयर वट इज दीट सप्लाइड हेयर कोई मुझे बताएगा अगर मैं इस पाथ से आ रहा था तो कितना हीट सप्लाई हो रहा होगा एनी वन इन द क्लास कैन टेल मी हाउ मच इज दीट सप्लाई ड्यूरिंग दिस पाथ अरे तो कोई अंधा भी बता देगा कितना हो रहा होगा अरे शून्य ना देट इज योर एडियावेटिक आइसन ट्रॉपिक आइसन ट्रॉपिक एक्सपेंसन ना इट हैज टू भी जीरो आइसन ट्रॉपिक एक्सपेंसन मींस वेज टू भी जीरो है ना आपसे पूछ रहा है इस पर यार एक चीज बताना क्या मैंने आपको बताया था क्या मैंने आपको बताया था इफ यू नीड टू फाइंड द हीट इंट्रैक्शन यू कैन ईजिली फाइंड द हीट इंट्रैक्शन फॉर एडिया फॉर आइसोबारिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस इफ यू नो द पी वी टर्म्स अगर आपको पी वी पता है प्रेजर वॉल्यूम्स पता है तो आप इजिली निकाल सकते हैं कितने लोगों को याद आ रहा है कितने लोगों को याद आ रहा है आइसो बारिक के लिए आइसोबारिक आइसो के लिए फार्मूला था गामा पॉन गामा माइनस वन पी बी टू माइनस बी वन है ना ऐसा था ना अरे डायरेक्ट नोट से है गामा पी बी टू माइनस बी वन बी थ्री माइनस बी वन डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन एंड यहां पे कितना होगा दिस इज योर आइसोकोरिक प्रोसेस So, v वी V थ्री ले लो वी थ्री फाइनल प्रेजर पी टू माइनस पी थ्री अपॉन गामा माइनस वन याद आ रहा है बस अब यही तो कैलकुलेट करना है दिस इज वॉट यू नीड टू सॉल्व खत्म हो गई बेटा खत्म हो गया क्वेश्चन खत्म हो गया क्वेश्चन दोनों को निकालो सॉल्व कर लो देखो मैं बता देता हूं टोटल हीट इंट्रैक्शन विल बी वॉट दिस प्लस दिस गामा ऐसी छोड़ दो फिलहाल पी कॉन्स्टेंट प्रेजर आई है पी वन है ना तो मान लो मैंने पी वन में ही रहने दिया ठीक है पी वन वी थ्री वट वि थ्री कैन यू ऑब्जर्व वी थ्री इज एट टाइम्स ऑफ वी वन एट टाइम्स ऑफ वी वन माइनस वी वन अपॉन गामा माइनस वन प्लस ये वाला ऐड करो वी थ्री वी थ्री इज एट टाइम्स ऑफ वी वन पी टू माइनस पी थ्री पी टू पी टू इज वन बाय थर्टी टू ऑफ पी वन वन बाय थर्टी टू ऑफ पी वन माइनस पी थ्री P3 is P1 only na. ना अरे P3 is P1 only na. वन everything ना अरे everything I am writing in terms of P1 V1. ऑफ पी वन वी वन देखो यहां पर ध्यान से लिख देता हूं आप लोगों के लिए पी थ्री इज पी वन is how much? इज हाउ मच एट वी वन पी टू इज हाउ मच पी टू is वन बाय थर्टी टू पी वन पी टू इज ये बात समझ में आ रही है यहां पर P1 V1 तो है ही फटाफट पट से बताओ फटाफट पट से बताओ माइनस P3 थ्री इज हाउ मच P3 थ्री इज पी वन ओनली ना अपॉन गामा माइनस वन अब तो कर लोगे यार अब तो कर लोगे टोटल क्यू टू इज टोटल हीट इंट्रैक्शन इज हाउ मच सेवन गामा पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन प्लस यहां देख लो वन माइनस थर्टी टू डेट मीन्स माइनस थर्टी वन माइनस थर्टी वन इंटू एट ना इन टू एट एट चलो इधर से कैंसिल हो जाएगा एट बाई थर्टी टू विल फोर सो माइनस थर्टी वन पी वन वी वन अपॉन फोर गामा माइनस वन तो यार यहां से देख लो पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन इज कमिंग कॉमन ना पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन इज कमिंग कॉमन so what will be left 7 gamma minus 31 upon 4 gamma minus 1 ना अच्छा गामा माइनस वन तो कॉमन आ गया ये बच रहा है फाइव एटी फाइव फाइव एटी सेवन पॉइंट फाइव इज ऑप्सोल्यूटली करेक्ट वाह, व्हाट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अरे छा गए गुरु, मजा आ गया बेटा मजा आ गया अब तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में अब तो कुछ बचा ही नहीं है P1 V1 वन अपॉन गामा माइनस वन ट्वेंटी एट गामा माइनस थर्टी वन बाय फोर रखो गामा की वैल्यू P1 V1 की वैल्यू

आंसर विल बी फाइव एटी सेवन पॉइंट फाइव जूल यही आ रहा है सबका बन गया ये वाला क्वेश्चन एडवांस का क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना थैंक यू सो मच अश्विन थैंक यू सो मच बेटा 587.5, बहुत बढ़िया आंसर सी चेन्नई आंसर सी चेन्नई एक्सेलेंट है रे बाबा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जल्दी से बताओ समझ में आ गया एक और शॉर्टकट हो सकता था क्या इसको सॉल्व करने का एक और शॉर्टकट मेथड हो सकता था क्या इसको सॉल्व करने का एक और शॉर्टकट मेथड हो सकता था क्या सॉल्व करने का कैन वी सॉल्व इन अदर वे ऑल्सो बताता हूं बताता हूं ध्यान से सुनना बेटा एक और तरीका बता रहा हूं आई एम गोइंग फ्रॉम वन टू टू आई एम गोइंग फ्रॉम वन टू टू ध्यान से सुनना अब आएगा मजा लॉन्ग कट कर लिया आप शॉर्टकट देख लो आई एम गोइंग फ्रॉम वन टू टू आई एम गोइंग फ्रॉम वन टू टू कैन आई से चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी सेम कैन आई से चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी सेम कैन आई से चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी सेम अरे अल्ताफ तभी तो नेगेटिव आ रहा है अल्ताफ बेटा तभी तो नेगेटिव आ रहा है थ्री टू टू में नेगेटिव आया ना अब देखो वट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस क्या आपको समझ में आ रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस विल बी क्यू ऑफ वन टू टू डायरेक्टली माइनस डब्ल्यू ऑफ वन टू टू डायरेक्टली वट विल बी दट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस क्यू ऑफ वन टू थ्री वन टू थ्री माइनस डब्ल्यू ऑफ वन टू थ्री अब ध्यान से देखना बेटा ध्यान से देख लो अब क्या मैं बोल दू ये हो गया स्वाहा क्या मैं बोल दू ये हो गया स्वाहा मुझे ये निकालना है ना मुझे ये निकालना है ना क्यू वन टू थ्री आई से क्यू वन टू थ्री विल बी इक्वल टू डब्ल्यू वन टू थ्री माइनस डब्ल्यू वन टू टू वाठ ध्यान से देखो ध्यान से देखो वट इज द डब्ल्यू वन टू थ्री दिस एरिया दिस एरिया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कोई भी निकाल लेगा कोई भी निकाल लेगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल अरे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कोई भी निकाल लेगा ना क्या है इसमें यहाँ पे तो जीरो होगा सो वट एवर द वर्क आई एम इसका तो फार्मूला दिया है P1, v1 minus p2 v2 upon gamma minus 1. That's it. आरे मजा 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 मजा, मजा, मजा ये है एडवांस का क्वेश्चन ये है एडवांस का क्वेश्चन आर यू क्लियर अरे कुछ है ही नहीं कुछ है ही नहीं इसका फार्मूला लगाकर निकाल लो वन बी वन माइनस पी टू बी टू अपॉन कामा माइनस वन ये ये निकल गया दैट्स इट नथिंग इज देयर यस 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 वे उठे आ मजा 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 इसे बोलते हैं